Good morning, students. Today I will teach you subject EVS of 4th class. Students, our chapter number 8, Houses, Then and Now. Students, इस chapter को हम continue करेंगे. आज previous class में हमने page number 32 complete कर लिया था. So, आज हम start करेंगे, students, page number 33. Got it, students? Now start. Students, हमने पढ़ा था कि जो पिछले समय में, प्राचीन समय में, जो घर किस प्रकार के हुआ करते थे और आज के समय में स्टूडेंट्स घर किस प्रकार के होते हैं. तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि जो पहले के समय के घर होते थे वो कच्चा होता था, कच्चा हाउस होते थे वो बिकॉज स्टोव वगैरह, मड वगैरह से, वुड वगैरह से, लीव्स वगैरह से बनाए जाते थे, जो कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे. उन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर की नीड होती थी. ओके स्टूडेंट्स, और उन्हें वीक टू वीक क्या क्या करवाना पड़ता था, उनके वॉल को कोट करवाना पड़ता था. लेकिन जो अब वो परमानेंट भी नहीं होता था, लेकिन जो आज के समय में जो घर बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वह एक पक्का हाउस होता है. उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं बनाने के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलकर बनाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं पीपल उसमें. तो स्टूडेंट्स, आप सभी जैसे सिटी वगैरह में, टाउन वगैरह में रहते हैं, तो आप वहाँ पर पक्का हाउस यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, उस पक्का हाउस जो बना हुआ है, जैसे कि आपका घर बना हुआ है, तो उस घर को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में जो भी पीपल इन्वॉल्व हैं इन द कंस्ट्रक्शन वर्क हाउसेज, लेट अस नो हु दे एंड व्हाट दे डू. स्टूडेंट्स, आइए हम उनके बारे में जानेंगे कि वे कौन होते हैं जो हमारा घर बनाते हैं और वे क्या करते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेट अस नो हु दे आर एंड व्हाट दे डू. गॉट इट स्टूडेंट्स, सो पेज नंबर 33 सबसे टॉप पे हम स्टार्ट करेंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन है. ओके, एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस. स्टूडेंट्स, सबसे पहले घर बनाने से पहले हमें घर का प्लान करना होता है कि हमें किस साइड में, किस डायरेक्शन में बनाना है, कैसे बनाना है, कितने रूम्स बनाने हैं, अपने घर का मतलब आकार कैसा होना चाहिए, क्या हमें ढांचा देना है, मतलब प्लान करना होता है. सबसे पहले हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने से पहले हम प्लान करते हैं. वैसे ही एक घर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें उसका प्लान करना होता है. तो जो प्लान करता है वो हम नहीं करते स्टूडेंट्स, उसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कि हमारे घर का प्लान करता है, उसे क्या कहा जाता है, एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस. उसे आर्किटेक्ट कहा जाता है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे घर का प्लान तैयार करता है, बनाता है. गॉट इट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पाइए अ मैसन लेज ब्रिक्स एंड प्लास्टर्स द वॉल. देखिए स्टूडेंट, जो मैसून होता है, मिस्त्री, मैसून को हिंदी में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मिस्त्री, राजमिस्त्री जो होते हैं, आप सभी ने देखा होगा राजमिस्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो जो भी ले होता है मसाला वगैरह का वो बनाते हैं और उससे ब्रिक्स एंड ब्रिक्स को ले लगाते हैं, जोड़ते हैं. देखिए किस प्रकार से जो है ये मैसून है ब्रिक्स को एक के ऊपर रख के वॉल रेडी कर रहा है और उसके बाद ये इनके जो वॉल जब ये तैयार हो जाता है उसको ये प्लास्टर कर देते हैं. तो ये काम कौन करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे घर में चारों तरफ दीवार होते हैं, रूम्स बनते हैं, कॉरिडोर, तो उनको पहले वॉल के थ्रू जो रेडी करते हैं वो कौन करते हैं, मैसून, फिर उस पर प्लास्टर कौन करता है, फिर वही मैसून ही करते हैं. गॉट इट स्टूडेंट, नेक्स्ट पे आ जाइए अ कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके घर में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई होती है. ऐसा तो नहीं है कि आपके घर का प्लान हो गया और दीवारें खड़ी हो गई, बस ख़त्म काम. उसके बाद सबसे पहले हमारे घर का प्लान होता है, उसके बाद वॉल्स रेडी होते हैं, फिर प्लास्टर होता है, उसके बाद जो भी वुड के काम होते हैं, विंडो क्या कहते हैं, डोर्स क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो लकड़ी से बनने वाली चीज़ें होती है वो हमारे घर में कौन लगाता है स्टूडेंट्स, कौन उसके में हेल्प करता है, कारपेंटर, जो कि लकड़ी के सामान बनाने वाला. कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. जो कारपेंटर होते हैं वो क्या स्टूडेंट्स मेक करता है, डोर्स, दरवाजे एंड विंडोज, खिड़कियाँ. गॉट इट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आइए अ प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स. देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका डोर भी लग गया है. ओके, आपके घर में आप डोर भी लग गया है, अब जब उसमें आप रहेंगे, स्टे करेंगे, तो आपको पानी चाहिए,
ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा तो नहीं है कि पानी आप कहीं और से लेकर आएंगे, तो आपके घर में प्रॉपर तरीके से पाइप्स वगैरह को फिट करना ताकि पानी आपको आराम से और इजी तरीके से मिल सके। तो उस चीज के लिए स्टूडेंट्स, आप जो प्लम्बर है वो हम नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सा, उसके लिए प्लम्बर होता है जो अच्छे तरीके से पाइप्स को फिट करते हैं ताकि पानी जो है आराम से मिल सके, और टैप्स जगह जगह पर टैप्स को फिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन करता है, प्लम्बर। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर्स एंड प्लग्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके घर में टैप भी लग गया है, धीरे धीरे आपका घर जो है वो तैयार हो रहा है। अब आपके घरों में बिजली की जरूरत होगी जब आप रहने आएंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए बिजली की जरूरत होगी तो वो जो कैसे फिट करना है, वायर कहाँ से कैसे आएगा, किस वायर को किधर जाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें कौन फिट करता है, इलेक्ट्रीशियन। इसके लिए हम किसको बुलाते हैं, वायर वगैरह को फिट करने के लिए, प्लग्स वगैरह को फिट करने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन को अपने घर में कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम बुलाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक का काम करके जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आपका घर सब कुछ बन के जो भी इनर वर्क था जो भी वो कम्प्लीट हो गया है, आप ऊपर से उसको सुंदर तरीके से तैयार करेंगे तो आप उसमें आप पेंट करते हैं, सफेदी करते हैं, वाइट वॉश करते हैं ताकि आपका घर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए आप किसको बुलाते हैं, पेंटर को, जो कि आपके घर को पेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका घर बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव देखने में और अट्रैक्टिव ज्यादा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है रहने में। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वे, एन इंजीनियर सुपरवाइजर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंजीनियर जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमारे घर का कंस्ट्रक्शन निर्माण करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक घर को तैयार करने में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स।